नमो नमः। मैं कुमारी वंदना साहित्याचार आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रणति IAS जो कि हमारा चैनल है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, कृपया आप लोग पढ़ लें, ठीक है। ये है प्रबोध, ये देख रहे हैं आप लोग, प्रबोध चंद्रोदय, यानी कि प्रबोध रूपी चंद्रमा का उदय, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, प्रबोध चंद्रोदय सुन रहे हैं, प्रबोध रूपी चंद्रमा का उदय, जो कि श्री कृष्ण मिश्र द्वारा रचित है, ठीक है। अच्छा, ये चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा के समकालीन थे। ये श्री कृष्ण मिश्र जो थे, इनके बारे में हम बता रहे हैं जी। ये चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा के ये समकालीन थे, ठीक है। ये एक ये है नाटक है, ठीक है। और इस नाटक का मंचन जो है, यानी कि क्या कहिएगा उसको, जैसे फिल्म का शूटिंग होता है, बस वही शूटिंग ही कहिए, मंचन इसका जो हुआ है खजुराहो मंदिर भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप कह सकते हैं, लोकार्पण कहिए, शूटिंग फिल्म में चले जाइए तो शूटिंग हो जाएगा, और चूंकि ये नाटक है तो इसलिए ये मंचन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर के प्रांगण में किया गया था। प्रांगण तो आप लोग समझ ही रहे हैं, वो फील्ड जो होता है वही चीज है, मैदान जो भी कह लीजिए। और ये छह अंक में है, ये देख रहे हैं आप लोग, अंक पूछेगा क्या, निश्चित पूछता है, अंक तो पूछता ही है। तो ये छह अंक में है, और इसका अंत जो है, नाक होता है ना कोई चीज का अंत जो दुखों से भरा हुआ हो, सो ये सुखों से भरा हुआ है, सुखांत है। नाटक का अंत सुखांत है। अच्छा, ये भाव प्रधान है, प्रतीकात्मक नाटक है ये, और शैली ये प्रतीकात्मक शैली का भी जीवंत नाटक है ये। जीवंत का मतलब भी आप लोग समझ ही रहे हैं, ये जीवंत है। अच्छा, सभी पात्र इनका प्रतीकात्मक है, जैसे देख लीजिए परमार्थ तत्व, ये विवेक रति, ये माया मोह काम, ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा सा बुराई में होता है, माया मोह हो गया ये सब थोड़ा सा, और ये विवेक जो हुआ सो ये अच्छा चीज माना जाता है, इस चीज को भी यहाँ पे ये किया गया है, ठीक है। और ये कार ये है, कार है चावर्क, धर्म शांति करुणा श्रद्धा जैन मत, ये सब सभी जो है पात्र है, पात्र है, प्रतीकात्मक पात्र। हाँ, हाँ, ये जितने भी आप देख रहे हैं सब के सब प्रतीकात्मक पात्र है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस नाटक का प्रभाव क्या रहा, ठीक है। ओ, इस नाटक इस पुस्तक के प्रभाव ही हुआ। हाँ, प्रभावी होता है, सभी चीजों का प्रभाव होता है ना, इसका मतलब एक बहुत अच्छी नाटक है। प्रभाव क्या है, इस नाटक का प्रभाव इतना पड़ा कि इसके प्रति असर्धा में विवांत, ये वेदांत देशिक एक राइटर है, इन्होंने सूर्योपासना की रचना की, ठीक है, सूर्योपासना की नाटक की। गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड में पंचवटी के वर्णन प्रसंग में इसी नाटक के प्रसिद्ध पात्रों को रूपक योजना में स्वीकृत किया है, ठीक है, ये हो गया। आचार्य केशव दास विज्ञान गीता नाम से इस नाटक का छंदोवध, ठीक है, छंदोवध, हाँ, छंदोवध हिंदी में अनुवाद किया। यशपाल ने मोह पराजय में इसी नाटक का अनुसरण किया, इसका मतलब इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। और रही बात कथा वस्तु, परमार्थ तत्व पुरुष एक है परंतु माया से संजोग होता है, माया एक महिला पात्र है, ठीक है, माया एक महिला पात्र है, इसका माया से संयोग होता है, पुत्र उसका मन है, ठीक है, जिससे दो पुत्र होता है, विवेक और माया मोह, ये मोह महामोह, तो माया मोह नहीं होता है, माया मोह आ गया मन में, महामोह, महामोह की शक्ति, मतलब इसकी शक्ति जो है ना, अब यो संवर्धन से ये होता है, मतलब इनकी शक्ति से विवेक जो इनका और पुत्र है भयाकांत हो जाता है, स्वाभाविक भय में आ जाता है। विवेक तो हुआ अच्छा, विवेकशील, कोई भी विवेकशील इंसान जो है सो क्रूर या उस तरह का जो क्रोधी होता है उन लोगों से तो डरेंगे ही, दोनों में फर्क आ जाता है। महामोह है तो इसका मतलब माँ एकदम माया मोह से भरा हुआ, और क्या क्या जितना बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन विवेकशील तो कभी भी अच्छी चीजों को ही चाहता है, तो वो तो भयाक्रांत होगा ही, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ लिए जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब इधर आइए, प्रथम अंक, हाँ,
प्रथम अंक में क्या है कि रीति और तम के वार्तालाप के क्रम तम विश्वास हो जाता है, मतलब काम जो है सो तो अपना काम कर लिया। अच्छा। अब आगे चलिए, इसका अभिष्ट फल प्राप्ति हेतु काफी कार्य कर चुका होता है कौन? काम। परंतु उनको एक भविष्यवाणी जिसके तद अनुसार विवेक और उपनिषद के संयोग से प्रबोध का उदय होता है। अच्छा, मैंने ज्ञान का उदय होता है जब बात तो संयोग से प्रबोध का उदय यानी कि ज्ञान का उदय। द्वितीय अंक में महामोह अपने राज्य के नाश भय से आतंकित हो जाता है। स्वाभाविक है, महामोह का जाल अब खत्म होने का, महामोह का जाल खत्म हो गया, अब आया विवेक। चलिए, तो बुराई जब अच्छाई हावी होने लगेगा बुराई पर तो बुराई तो डरेगा ही। तो वही चीज यहाँ पे बहुत अच्छी शास्त्रीय, तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया है। तृतीय अंक, शांति अपनी सखी करुणा के सहारे आती है, वह अपनी माँ श्रद्धा के वियोग में शोकाकुल हो जाती है, तो स्वाभाविक चीज है। चतुर्थ अंक, विष्णु भक्ति विवेक के पास युद्ध आरंभ करने का संदेश लाती है। विवेक अपने नायकों वस्तु विचार क्षमा संतोष आदि से संगठित करता है। अब विवेक है तो स्वाभाविक जितने भी अच्छी चीजें हैं उनमें तो आना तय है। अब विष्णु भक्ति में विश्वास करता तो है ही उनमें, और भगवान विष्णु भगवान पर विश्वास है, विश्वास हाँ, तो सारी अच्छाई में है ही, आ ही जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्षमा संतोष सब आ जा रहा है। अब हुआ पंचम अंक में क्या है, युद्ध समाप्त होता है, महामोह और उनकी संतानें मर चुकी होती है। अब इतना ये गलत चीज हो जाता है कि ये सब तो तय ही था। महामोह एवं प्रवृत्ति के निधन पर शोक करता हुआ मन उद्विग्न है, स्वाभाविक है, महामोह तो अब जल रहा है उसको उद्विग्न बेचैनी हो जाए, सही बात है। अब ये है सब, ये खष्टम अंक जो है, मरने के पूर्व महामोह ने मधुमति के द्वारा पुरुष को भ्रांत करने के लिए भेजा था। ये चीज विशेष हम नहीं समझाएंगे, आप लोग समझ गए, जो हम लिख के बता दिए हैं बस उतना आप लोग समझ लीजिए। भ्रांति पैदा करता है विचारों को, मतलब जो भी कोई अच्छी बात तो है नहीं, ये करना है। उसकी सहचरी माया ने ये विष्णु भक्ति से फल प्राप्ति की प्रशंसा करी। अंत में सब लोग आ जाते हैं विष्णु भक्ति पर, अंत में सब लोग विष्णु भक्ति पर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी, अब ये पुरुष को भ्रांत करना है वगैरह वगैरह, ये तो सब आदमी समझ ही गए, और ये सभी चीजें इसका हो गया। अब बताइए कि जितने चीज हम बताए कहीं आप लोगों को कोई त्रुटि तो नहीं है? नहीं, कोई त्रुटि नहीं मैडम, बहुत अच्छा। क्योंकि ये एक टॉपिक था, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको हम, लेकिन हमको अभी जो ये एग्जाम होगा टीचर वाला, अब जैसा कि ये समाचार पत्र में आया है कि ये बीपीएससी द्वारा लिया जाएगा, तो इसे साहित्य और डेफ में पढ़ना होगा, है ना? सही बात है। तो इसलिए कुछ चीजों को हमने कलेक्ट किया था, लेकिन सोचा कुछ और उसमें शामिल कर ले, तो इसको एक को हम शामिल किए हैं, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, छोटा है और प्रसिद्ध है, क्योंकि इतने चीज को इतना ही दूर में हम आप लोगों को बता दिए हैं, बहुत, और ये जरूरी लगा इसलिए बता दिए। पढ़ने में थोड़ा सा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या पढ़े, हमको ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा, तैयारी अपनी बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर ये तो नेट जीआरएफ में भी पूछ सकता है मैडम? हाँ, निश्चित पूछ सकता है, क्वेश्चन तो वही होता है ना, साहित्य में जो क्वेश्चन है आपको उधर भी पूछेगा इधर भी पूछेगा, क्योंकि ये साउथ के, इस बार यही है कि ये नवम दशम का पाठ्यक्रम से नहीं लिया था, इस बार शायद शामिल कर ले, वैसे जरूरी होता है करना, क्योंकि हाई स्कूल वाले को पढ़ाना तो नवम दशम में ही है ना, जी मैम, तो वो तो शामिल करना चाहिए। वैसे जो सही लगा होगा वो किया गया होगा, हम लोग तो विशेष जानते नहीं है, हम लोग इतना जानते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, इतना ही जानते हैं ना, पढ़ाई करनी है और कराना है, तो बस उसी चीजों को, तो आप लोग शास्त्र ही साहित्य मुख्य रूप से, क्योंकि मैं खुद भी साहित्याचार्य हूँ, साहित्य विषय को आपने ज्यादा, हाँ, तो शास्त्र से ही पढ़ना चाहिए, मुख्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जितना डेप्थ में पढ़िएगा क्वेश्चन आपका उतना बनेगा, क्योंकि हम कभी चर्चा किए होंगे सरदमन वाला, तो डेप्थ में पढ़िएगा तभी आप कुछ श्लोक आपको दे देगा, कुछ श्लोक ये अभिज्ञान शाकुंतलम से दे दे और पूछ दे कि ये जो हम श्लोक यहाँ दिया गया है ये किससे लिया गया है, किस सर्ग में है, पूछ सकता है, तो इस सब के लिए आपको तो अच्छे से पढ़ना है, जैसे दंडी पद्लालित्यम वाला, पद्लालित्यम किससे संबंधित है, तो दंडी, तो ये पूछता है। अब ये जो भी मुख्य खास करके पात्र का नाम तो पूछता है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य होते हैं किसी का, तो वो निश्चित पूछता है,
इसीलिए हम पात्र का यहाँ पर आपको और जितना भी अभी तक हम बताए सब में पात्र का हम निश्चित बता ही दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो प्रतीकात्मक वाला तो पहली बार हमने पूछेगा ही, इसीलिए हम इस चीज को आपने जो कलेक्ट करके रखे थे उसमें से हमको लगा कि ये चीज हम बता दें, क्योंकि अब और डेप्थ में पूछना होगा क्योंकि बीपीएससी लेगी तो स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड था लेकिन जो लोग जानते थे उनके लिए कोई ये नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये पहली ये है प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, इसलिए हमने सोचा कि आज मैं इसको बता दूं। इसका काफी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, बहुत इसका मतलब है बहुत अच्छी नाटक। हाँ अच्छी नाटक तो है, ठीक है ठीक। आप लोग समझ लिए इसको? नहीं इसको एकदम समझ लिए। चलिए तो ठीक है, तब तो बहुत ही अच्छा। अच्छा आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इसके लिए, ठीक है ठीक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।